हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल पे वापस स्वागत है। आज जो है मैं आपको बताऊंगा हमारा क्लास 10th NCERT मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का सेकंड टॉपिक। तो पहली वीडियो में हमने जो है एक्सरसाइज 2.1 बताई थी, अब जो है हम उसके आगे का बताएंगे। तो उसके आगे है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स ऑफ अ। तो गाइस, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी हमारे पॉलिनोमियल होते हैं उनके बीच में जो उनके ज़ीरोज़ होते हैं उनके बीच में एक रिलेशनशिप होती है जो कि जिसके थ्रू हम उसको फाइंड कर सकते हैं या रिलेशनशिप हम उसको प्रूव कर सकते हैं और जिससे हम वेरीफाई कर पाएंगे कि हाँ जो ये ज़ीरोज़ निकले हैं ये हमारे ए पॉलिनोमियल के हैं कि नहीं। तो इसके जो हैं दो फॉर्म्स होते हैं जिसको हम कहते हैं एक सम ऑफ द ज़ीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज। तो मैं आपको उसके फॉर्मूले दिखाता हूँ। तो गाइस, ये है हमारा फार्मूला अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए ये हमारा कहलाता है सम ऑफ ज़ीरोज, और जो अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए होता है ये कहलाता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज। सम ऑफ ज़ीरोज का मतलब है जो कि हमारे पॉलिनोमियल के जो ज़ीरोज निकले होंगे अगर उनको हम सम करेंगे तो जो हमारी वैल्यू आएगी वो होगी हमारे माइनस बी बाई ए के फॉर्म में। तो यानी ये जो यहाँ हमारा माइनस बी बाई ए है तो ये मैं आपको बता दूँ क्या है। तो जो हमारी पॉलिनोमियल होती है जो हमारा पी एक्स का होता है वो हमारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो हमारा ये b है ये हमारा पॉलिनोमियल के सेकंड फॉर्म को कहा जाता है, ठीक है। तो हम पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लेके हम इस रिलेशनशिप में रखते हैं। अगर ज़ीरोस का जो सम है वो हमारे a माइनस बी बाई ए के बराबर आ जाए तो यानी जो हमारे ज़ीरोस होते हैं वो करेक्ट होते हैं, ठीक है। तो गाइस, अब हम आपको अच्छे समझाने के लिए एग्जांपल ले के कराएंगे, ओके। तो गाइस, हमारा यहाँ पे एग्जांपल नंबर 2 है, फाइंड द ज़ीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो गाइस, हमारे यहाँ पे एक पॉलिनोमियल दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 और इसके आगे कहा गया है एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। तो यहाँ पे हमको कहा गया है कि ये हमारी एक पॉलिनोमियल है, हमें जो है रिलेशनशिप फाइंड करना है उसके कोफिशिएंट्स और ज़ीरोज़ के बीच में। तो जो मैंने आपको दो फार्मूले बताए थे हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले जो है हम इस इक्वेशन के ज़ीरोज़ निकाल लेते हैं, ओके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसको यहाँ लिख सकते हैं पी एक्स कैन बी इन ए फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे जो हमारा ए होगा वो होगा हमारा एक्स स्क्वायर, तो यानी एक्स की जो वैल्यू होती है वो हमारे कांस्टेंट होती है यानी 1, ओके। तो यहाँ बी जो है ये हमारा सेकंड टर्म है और यहाँ पे जो है 7, तो यानी हमारी बी की वैल्यू 7 हो जाएगी। और सी जो होता है वो होता है हमारा लास्ट टर्म जो कि जो भी किसी वेरिएबल के साथ नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 10 है तो यानी सी की वैल्यू हो जाएगी 10। तो अब जो है हम इस इक्वेशन के पहले ज़ीरोज फाइंड कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। तो अब हम जो है इसको यहाँ पे मिडल स्प्लिट करेंगे, ओके। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल्स टू 0। अगर हम यहाँ x कॉमन कर लें इतने में से तो ये होगा हमारा x प्लस 5 और हम इतने में से 2 कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 5। तो गाइस देखिए, x प्लस 5 हमको कॉमन मिल रहा है तो हम इसको एक साइड ले लेंगे और यहाँ x और प्लस 2 हमको बाहर साइड मिल रहा है तो हम इसको एक साथ ले लेंगे। तो अब जो है ये होगा हमारा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू माइनस 5 एंड x इक्वल्स टू माइनस 2।
तो गाइस हमारे यहाँ पे दो जीरोस निकल आए हैं, -5 और -2। अगर हम यहाँ अल्फ़ा को -5 मान लें एंड बीटा को हम -2 मान लें, तो अब हम रिलेशनशिप फाइंड करेंगे। तो ये होगा हमारा, तो मैंने आपको पहले बताया था सम ऑफ ज़ीरोज़, ये होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो यहाँ अल्फ़ा की वैल्यू हमारी क्या आई है, -5, तो हम -5 पुट कर देंगे। प्लस बीटा की वैल्यू हमारी -2 आई है, तो -2 पुट कर देंगे। अब ये माइनस का साइन है। अब b की वैल्यू हमारी क्या थी, b की वैल्यू हमने यहाँ 7 लेट की थी, तो हम यहाँ -7 लिख देंगे। और a की वैल्यू हमारी क्या थी, a की वैल्यू हमारी थी 1, तो ए की वैल्यू 1 थी। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -5 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा -2 और डिनोमिनेटर में 1 है तो ये एज इट इज़ -7 आ जाएगा। तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा -7 इक्वल्स टू -7। तो गाइस देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो है हमारे राइट हैंड साइड वैल्यू के बराबर आ गई। तो सम ऑफ जीरोस को चेक किया था, अब हम जो है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को चेक करेंगे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू में अल्फा बीटा इक्वल्स टू में c/a। तो देखिए यहाँ पे जो हमारी अल्फ़ा की वैल्यू थी वो थी -5 और जो बीटा की वैल्यू थी वो थी हमारी -2 और जो हमारी c की वैल्यू है वो हमने लेट की थी 10। तो जो हमारे c की वैल्यू होगी वो की 10 और जो हमारी a की वैल्यू है वो है 1। तो यहाँ देखिए जब भी हम किसी नेगेटिव नंबर को नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे नेगेटिव साइंस होते हैं वो कट जाते हैं। तो यानी यहाँ पे हम -5 को -2 से करेंगे तो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और 5 × 2 = 10 आ जाएगा और ये हमारा 10 = 10 आ जाएगा क्योंकि न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 1 है। तो यहाँ पे देखिए दोनों साइड हमारी सेम वैल्यू आई है। तो यहाँ सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू में राइट हैंड साइड है तो यानी जो हमारे ज़ीरोस हैं इस पॉलिनोमियल के x² + 7x + 10 के वो हमारे ए जो है सम ऑफ ज़ीरोस और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस दोनों ही लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे इक्वल आए हैं। तो यानी ये जो हमारी पॉलिनोमियल है ये हमारी वेरीफाइड हो चुकी है। अब हम सिंस आखिर में लिख देंगे वेरीफाइड, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ ख़त्म हो गया है। तो गाइस अब जो है मैं आपको एग्जांपल नंबर 3 बताऊंगा जो कि है हमारा फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप्स बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो गाइस अब हमें कह रहा है यहाँ पे हमारी एक पॉलिनोमियल है x² - 3, अब हमको जो है इसके जो है रिलेशनशिप फाइंड करने हैं। तो आपको पता है जो हमारी पॉलिनोमियल होती है वो हमारी 3-term equation होती है, वो होती है x² + x - 3। वो जब हमारे इस फॉर्म में होगी तब हमारे, लेकिन यहाँ पे हमारे सिर्फ 2 term दिए हुए हैं x² और -3। तो अब हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, अब ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या क्या आ गया है कि 9th में आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी a + b a - b = a²-b², अब यहाँ पे उसका रिवर्स है। अब यहाँ पे हमारा है a²-b² = a - b और a + b। तो देखिए यहाँ जो हमारा x² है और जो -3 है, अब हम -3 को जो है हम x+√3 और x-√3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम √3 को √3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट से रूट कट जाता है और ये हमारा जो आ जाता है वो हमारा 3 आ जाता है, क्योंकि ये हमारा √3 का स्क्वायर हो जाता है ना, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है। ठीक है, तो इसी वजह से हमने यहाँ पे जो है x-√3 और x+√3 लिया है। ठीक है, तो अब हमको जो है यहाँ पे दो ज़ीरो, क्योंकि अगर हम इसको 0 मान लें तो ये हो जाएगा हमारा x = √3 और x = -√3। तो हमको यहाँ 2 zeros मिल गए हैं, √3 और -√3। तो अब हम जो है इनको रिलेशनशिप वाले फॉर्मूले में रखेंगे तो ये होगा हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़।
तो देखिए यहाँ पे है हमारा, ये है हमारा अल्फ़ा और ये है हमारा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, देखिए क्योंकि यहाँ पे रूट थ्री है, अब रूट थ्री को जब हम माइनस रूट थ्री से प्लस करेंगे तो ये हमारा जो है रूट थ्री माइनस रूट थ्री ही आएगा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब हम रूट थ्री में से रूट थ्री को माइनस करेंगे तो वो हमारा ज़ीरो आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारे क्या होता है सम ऑफ ज़ीरोज़ का, वो होता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। सम ऑफ ज़ीरोज़ का फार्मूला ये होता है। तो अल्फ़ा और बीटा तो वैल्यू हमारी ये है, और बी तो हम इक्वेशन में देखते हैं कि हमारे बी की वैल्यू क्या है। अब देखिए यहाँ पे जो है हमारा फर्स्ट टर्म दिया है और लास्ट टर्म दिया है, मिडल टर्म दिया ही नहीं है। तो यानी जो मिडल टर्म की वैल्यू होगी वो होगी हमारी ज़ीरो। तो देखिए यहाँ पे ज़ीरो लिया गया है। अब जब भी हमारा ज़ीरो होता है और ज़ीरो के नीचे वन होता है तो हमारी वैल्यू हमेशा ज़ीरो ही रहती है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ माइनस करने पे ज़ीरो आ गया और यहाँ ज़ीरो। तो देखिए यहाँ पे दोनों साइड की वैल्यू बराबर हो गई हैं। अब प्रोडक्ट क्या है? अब प्रोडक्ट है हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा रूट थ्री है और माइनस रूट थ्री है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो जब भी हम किसी पॉजिटिव और नेगेटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो है नेगेटिव ही आंसर आता है। तो उसी तरह से जब हम रूट थ्री को माइनस रूट थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो हमारा आएगा वो हमारा नेगेटिव ही आंसर आएगा। तो देखिए यहाँ पे भी माइनस थ्री ही आया है। तो देखिए यहाँ माइनस थ्री और यहाँ माइनस थ्री दोनों साइड जो है हमारी वैल्यू सेम आई है। तो यानी जो इसके हमारे ज़ीरोज़ हैं और जो इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप्स हैं ज़ीरोज़ और कोफिशियंट के, वो हमारे फुल्ली वेरीफाइड हैं, ठीक है। तो हमने देख लिया कि जो है हमारे दोनों ही तरफ लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड पे जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो सेम आ रही हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे लास्ट में वेरीफाइड, क्योंकि ये हमने वेरीफाई कर लिया कि हाँ दोनों साइड जो है वैल्यूज़ हमारी बराबर है। ओके गाइस, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइएगा, और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो हमें बताइएगा, हम आपको वापस से वीडियो बना के भेजेंगे। हेलो गाइस, आपका हमारे चैनल पे वापस स्वागत है। आज जो है मैं आपको क्लास टेंथ की मैथ का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.21 बताऊंगा। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोएफिशिएंट्स। तो जिस तरह से मैंने आपको पहले समझाया था कि किस तरह से कोएफिशिएंट्स और जीरोज के बीच में रिलेशनशिप फाइंड की जाती है, सेम उसी तरीके से यहाँ फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारी कुछ इक्वेशंस दी गई हैं जिनके थ्रू हमको जो है फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस एट। तो ये हमारी एक पॉलीनोमियल दी गई है और कहा गया है कि इसके ज़ीरोज और इसके जो कोफिशियंट्स हैं यानी ये एक्स टू और एट, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो आइए गाइस अब हम शुरू करते हैं इसके ज़ीरोज फाइंड करने के लिए। तो आइए गाइस अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डालेंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम इसका जो है मिडल टर्म कर लेंगे, वो होगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस फोर माइनस टू एक्स माइनस एट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स, अब देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ माइनस है, तो ये माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा प्लस टू एक्स माइनस एट इक्वल्स टू ज़ीरो। अगर हम इसमें से x कॉमन कर लें तो यहाँ हमारा x बचेगा और यहाँ होगा माइनस फोर, और प्लस टू हम कॉमन कर लें तो यहाँ हो जाएगा हमारा x माइनस फोर इक्वल्स टू ज़ीरो। अब देखिए यहाँ x माइनस फोर और x माइनस फोर हमको कॉमन मिल रहा है, तो हम इसको सिंपली एक बार लिख लेंगे और x प्लस टू को हम एक ब्रैकेट में अलग लिख लेंगे। अब हम इसको अलग अलग ज़ीरोस के बराबर दिखा देंगे, तो ये जो है हमारा x इक्वल्स टू में फोर और x इक्वल्स टू में माइनस टू। अब हमको ये दो ज़ीरोज़ हमारे इस इक्वेशन के मिल गए। अगर हम इसको अल्फ़ा और इसको बीटा मान लें तो ये अल्फ़ा इक्वल्स टू में फोर एंड बीटा इक्वल्स टू में माइनस टू हो जाएगा। अब हम जो है इसके रिलेशनशिप फाइंड करते हैं। तो ये था हमारा सम ऑफ
इक्वल्स टू में अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ अल्फा की वैल्यू हमारी जो है 4 है और बीटा की वैल्यू माइनस 2 है, और जो हमारी माइनस बी है तो ये माइनस, और यहाँ पे इक्वेशन में देखिए तो यहाँ माइनस बी की वैल्यू जो है वो है हमारी माइनस 2, तो यानी हम यहाँ लेंगे माइनस 2 बाय 1, तो ये हो जाएगा हमारा 4 प्लस माइनस माइनस 2, और ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा यानी आ जाएगा 2। तो यानी 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 इक्वल्स टू में 2, देखें दोनों साइड वैल्यू बराबर आ गई। अब हम प्रोडक्ट चेक करेंगे तो होगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा इक्वल्स में सी बाई ए। तो अल्फा है हमारा 4 और बीटा है माइनस 2, और जो हमारी सी की वैल्यू है वो है हमारी माइनस 8। तो अब हम यहाँ लिखेंगे माइनस 8 अपॉन 1, तो यानी हो जाएगा 4 और इंटू 2 8 और माइनस का साइन, और ये हो जाएगा माइनस 8। तो देखिए दोनों साइड जो है हमारी वैल्यूज बराबर आई हैं। तो सिंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स में राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे हम लिख देंगे वेरीफाइड, क्योंकि हमारे दोनों ही साइड्स की वैल्यू जो है बराबर आई हैं। तो गाइस हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट हो गया है। अब जो है आप क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट सेम इसी तरह से करना है, तो आप ये जो है खुद से ट्राई कीजिएगा। मैं हूँ अब जो है आपको फोर्थ पार्ट बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए, तो गाइस हमारे यहाँ पे पॉलीनोमियल दी हुई है 4u² + 8u। तो अब हम इसको यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे सॉल्यूशन, तो सबसे पहले हम इसको ज़ीरोस फाइंड कर लेते हैं, तो हम जो है इसको स्प्लिट कर लेंगे। तो ये होगा हमारा 4u² + 8u = 0। तो देखिए अब u यहाँ पे भी है, u यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है। तो अगर हम 4u कॉमन कर लें तो यहाँ पे u स्क्वायर है, तो यानी यहाँ u बच जाएगा, और 4 2 8, तो यानी यहाँ पे 2 बच जाएगा और इक्वल्स टू 0। तो अगर हम 4u = 0 और u + 2 = 0 करा दें, तो यानी ये हो जाएगा हमारा u = 0 और u = -2। तो यानी यहाँ पे हमारी दो ज़ीरोज़ निकल गए। अगर हम अल्फ़ा 0 मान लें और बीटा जो है -2 मान लें, तो अगर हम यहाँ पे इसके इन दोनों कोफिशियंट्स और ज़ीरोज़ के बीच का रिलेशनशिप फाइंड करेंगे, तो होगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा एक माइनस बी बाई ए। तो यहाँ पे हमारा अल्फ़ा जो है वो हमारा 0 है, और जो बीटा है वो हमारा -2 है, और यहाँ जो हमारा माइनस बी है वो है हमारा -8, और बाय ए ए की वैल्यू है हमारी 4। तो यानी हमारा 0 - 2 इक्वल्स टू में -8/4, तो यानी 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा। तो अब हम 0 में से जब भी -2 माइनस करेंगे तो ये हमारा -2 ही आएगा, और ये इधर पे हमारा -2 आएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारे दोनों साइड वैल्यू सेम आ गई है। अब हम इसका प्रोडक्ट कर लें तो अल्फ़ा बीटा इक्वल्स टू में सी बाय ए। तो अल्फ़ा बीटा यानी 0 × -2 इक्वल्स टू में सी देखेंगे, तो यहाँ पे इसमें हमारे सी की कोई टर्म नहीं दी गई है, तो यानी हम जो सी की वैल्यू 0 लेंगे, तो यहाँ पे हम 0 लेंगे और ए की वैल्यू बाय 4 है। तो यानी जब भी 0 नॉमरेटर में होता है तो हमारी वैल्यू जो होती है वो 0 ही होती है, और जब भी हम किसी 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो भी जो हमारी वैल्यू आती है वो हमारी 0 ही आती है। तो यहाँ पे भी जो है हमारी 0 आएगी। तो देखिए दोनों कंडीशंस में ही हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आ रही है। तो यानी जो है हमारे यहाँ पे लिखेंगे सिंस एल एच एस इक्वल्स टू में आर एच एस, क्योंकि दोनों ही साइड्स की वैल्यूज बराबर हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले इस इक्वेशन के ज़ीरोस फाइंड किए थे, फिर जो है इनके रिलेशनशिप्स को हमने किया वेरीफाई किया है, तो हमारे दोनों ही साइड की वैल्यूज बराबर आई हैं। तो हम लास्ट में यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाइड, यानी दैट्स मीन्स हमने इसको वेरीफाई कर लिया है। तो
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ पार्ट अब हो चुका है। अब जो है यहाँ पे फिफ्थ पार्ट है टी स्क्वायर माइनस 15। तो अगर आपको याद होगा मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको एग्जांपल नंबर 3 बताया था, ये सेम उसी तरीके से करना है। ठीक है, फिर आइए मैं आपको करके दिखाता हूँ एक बार फिर से। तो हमारा जो फिफ्थ पार्ट है वो है हमारा टी स्क्वायर माइनस 15। तो अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। तो अब हम यहाँ लिखेंगे टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल्स टू 0। अगर आपको याद होगा तो मैंने उसमें बताया था कि जो हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है, हम इसको ए प्लस बी ए और ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यानी अगर हमें इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी के फॉर्म में तोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15 तो इक्वल्स टू 0। अगर हम टी प्लस रूट 15 इक्वल्स टू 0 दिखाएंगे तो ये हमारा टी इक्वल्स टू माइनस 15 आ जाएगा। और अगर हम टी माइनस अंडर रूट 15 को 0 के दिखाएंगे तो ये टी हमारा अंडर रूट 15 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे दो ज़ीरोज़ निकल गए हैं। तो अगर हम यहाँ अल्फ़ा को माइनस रूट 15 मान लें और बीटा को प्लस रूट 15 मान लें, तो अगर हम इसके ए कोफिशिएंट्स और ज़ीरोज़ का रिलेशनशिप फाइंड करें तो होगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए। तो अल्फ़ा है हमारा माइनस 15 और प्लस रूट 15 इक्वल टू माइनस बी। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो है फर्स्ट टर्म दी है और लास्ट टर्म दी हुई है, मिडिल टर्म हमको मालूम ही नहीं है। तो जो हमारी माइनस बी की वैल्यू होगी वो होगी हमारी 0। तो अगर हम यहाँ 0 लेंगे और ए की वैल्यू जो है वो है हमारी 1। तो देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो यानी रूट 15 में से रूट 15 माइनस हो जाएगा तो हमारी वैल्यू आएगी 0। और अब मैंने आपको पहले बताया है जब भी न्यूमरेटर में 0 होता है तो हमारी वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू दोनों ही सेम आई है। तो है अब जो है हम इसका प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो होगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू में सी बाय ए। तो यानी माइनस रूट 15 को हम प्लस रूट 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी बाय ए, तो जो हमारी सी की वैल्यू है वो है हमारी माइनस 15 और जो ए की वैल्यू है वो है हमारी 1। तो अब ये होगा हमारा माइनस और ये होगा रूट 15 का स्क्वायर और इक्वल्स टू में ये हो जाएगा माइनस 15। अब रूट और जब भी किसी रूट नंबर के ऊपर स्क्वायर लगा होता है तो उसकी वजह से रूट कट जाता है, तो ये हो जाएगा माइनस 15 इक्वल्स टू माइनस 15। तो देखिए अब इसमें भी जो है हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इनकी जो वैल्यूज़ हैं वो दोनों ही तरफ सेम आई है। तो हम यहाँ पे वापस से लिख देंगे सेंस एल एच एस इक्वल्स टू में आर एच एस। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाइड बस। तो फिफ्थ पार्ट अब हो चुका है, ये अब हमारा लास्ट पार्ट है एक्स 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। ये काफ़ी ही ईजी है, इसको भी आप खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिएगा। और अगर इस पहले क्वेश्चन में अगर आपको कोई क्वेश्चन ना समझ में आए तो हमें कमेंट करके बताइएगा तो हम आपको वो बताएंगे। ठीक है, अब जो है अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोज रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे कहा गया है कि हमको जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके जो है हमको सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मतलब यहाँ पे हमको जो है उनके ज़ीरोज़ दिए गए हैं पॉलीनोमियल के, और जो है हमको पॉलीनोमियल फाइंड करना है। तो पॉलीनोमियल फाइंड करने के लिए एक फार्मूला होता है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं, वो फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस जो हमारा फार्मूला होता है वो होता है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो हम इस फार्मूले के थ्रू हम इक्वेशन फाइंड करते हैं। तो देखिए हमारा मैं आपको पूरे क्वेश्चंस तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो कि इम्पॉर्टेंट है, और बाकी जो ईजीएस्ट हैं वो आप खुद से ट्राई कीजिएगा, और अगर ना आए तो हमें कमेंट कीजिएगा, हम बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
तो जो है हमारा क्वेश्चन नंबर टू का फर्स्ट पार्ट है 1/4 इक्वल्स टू में -1। तो यहाँ पे हमारे पॉलीनोमियल के दो जीरोस दिए हैं जो कि है 1/4 एंड -1। अब इन दो जीरोस के थ्रू हमको पॉलीनोमियल फाइंड करना है। तो आइए चलिए हम फॉर्मूले को यूज़ करके फाइंड करते हैं। तो हमारा ये है फर्स्ट पार्ट। तो अब हम इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डालेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम करेंगे लेट अल्फा इक्वल्स टू 1/4 एंड बीटा इक्वल्स टू -1। तो यानी ये जो हमारा अल्फा है वो हमारा 1/4 है और जो बीटा है वो हमारा -1 है, ठीक है। तो हम जो है हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे। तो सबसे पहले हम जो है इसका सम फाइंड कर लेते हैं जो कि होता है हमारा अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ अल्फा जो है हमारा है 1/4 और बीटा की वैल्यू है हमारी -1। तो ये होगा 1/4 -1। अगर हम यहाँ पे इसके एलसीएम बराबर कर लें तो ये होगा 1-4/4। तो ये होगा -3/4। तो ये हमारी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लें तो ये होगा अल्फा इंटू बीटा, ये होगा 1/4 इंटू -1। तो ये होगा -1/4। तो यहाँ पे हमारे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा दोनों की वैल्यूज़ निकल आई। अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट कर दें जो कि है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी है -3/4 एक्स प्लस अल्फा बीटा की है -1/4 इक्वल्स टू 0। तो ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/4 एक्स प्लस माइनस माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0। तो देखिए अब यहाँ न्यूमरेटर हमारा सेम है तो अब जो है और यहाँ पे जो है 1 है। तो अब हम यहाँ पे एलसीएम बराबर करेंगे तीनों का। तो ये होगा 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ न्यूमरेटर है, अब जब हम इसको इधर ले जाएंगे तो वो ये होगा 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 इंटू 4। तो हम मैंने पहले बताया है जब भी हम जीरो से कोई नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा ज़ीरो ही आता है। तो 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो गाइस यही हमारी जो है पॉलिनोमियल है जो कि हमको फाइंड करनी थी, यही हमारा आंसर होगा। तो पहला पार्ट अब हमने यहाँ सॉल्व कर लिया है। अब इसी तरह से जो है हमको सेकेंड पार्ट करना है, ठीक है। तो आइए अब मैं आपको समझाता हूँ कि सेकेंड पार्ट किस तरह से करना है।